हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी एंड स्पाइसी रॉ बनाना तवा फ्राई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 कच्चे केले। अब हम इसके छिलकों को निकाल देंगे। ये देखिए, हमने इनको छील लिया है। अब हम इनको कट कर लेंगे। हम इनको लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम काट लेंगे। और इसको हमें ना ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा पतला। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और एक बॉल में डाल देंगे। सभी को हम इसी तरह काट के तैयार कर लेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे। मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इस मसाले को कटे हुए केले के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, अब हमने लिया है यहाँ चावल का आटा। अब हम केले को चावल के आटे से कोट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे केले तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, सभी हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस पर रखेंगे तवा। तवे में डाल देंगे ऑयल। अब हम सभी केले को इसमें रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल देंगे। और दोनों साइड से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से सिक गए हैं। खाना तवा फ्राई बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।